हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कांच की बॉटल अगर घर में पड़ी है आपके, तो आप इस तरह से उनको डेकोरेट करके फिर अपने गार्डन में सजा सकते हो। तो पिछली वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि आप बिंदी की हेल्प से अपने बॉटल को जो है डेकोरेट कर सकते हो, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से आप सेलो टेप की हेल्प से अपने बॉटल को पूरा कवर कर लीजिए इस तरह से, और उसके बाद आपको ऊपर से कलर करना है इसको। आपके पास जो भी कलर हो आप उसको कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप पूरे बॉटल में आपको इस तरह से टेप को चिपका लेना है, जो भी टेप आपके पास हो। फिर इस तरह से आपको, जैसे मैंने आपको ये बताया है कि इस तरह से आपको पूरा टेप चिपकाना है शेप में, और फिर इसको कलर कर देना है। उसके बाद जब यह अच्छे सूख जाएगा, उसके बाद में इस टेप को मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। और ये मैंने आपके साथ बिंदी वाला एक वीडियो शेयर किया था कि बिंदी की हेल्प से आप जो है अपनी बॉटल को डेकोरेट कर सकते हो इस तरह से। तो दोनों ही बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ उसके बाद कैसा लग रहा है। दोस्तों, मैंने बॉटल से जो है टेप को रिमूव कर दिया है, तो कुछ ऐसा जो है निकलने के बाद ये बॉटल लग रही है। और एक काम आप कर सकते हो, अगर आपको और भी इसमें क्रिएटिविटी दिखानी है, तो जो खाली हिस्से हैं यहाँ पर फेविकोल लगाकर जो सूखा ग्लिटर आता है आप उसको यहाँ पर चिपका सकते हो, तो उससे यह और भी अच्छी जो है सुंदर लगेगी। तो मेरे पास ग्लिटर जो है नहीं सूखा वाला, तो फेविकोल की हेल्प से आप यहाँ पर इसको चिपका कर इसको और भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हो। और इसमें आप चाहे प्लांट लगाई या फिर ऐसे भी रख दोगे अगर आप डेकोरेट करने के लिए, तो अच्छी लगेगी यह बॉटल। तो टेप और बिंदी की सहायता से आपने कांच की बॉटल को बहुत ही अच्छे से सुंदर से सजा सकते हो। बहुत ही अच्छा आइडिया है यह, और सुंदर भी लगता है देखने में। इस तरह से आप देख रहे हैं कितना अच्छा जो है लग रहा है। कमेंट करके आप बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में।